देख करके तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा इसका टीजर ही, और मैं इस टीजर से ये भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये मूवी कितना ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक सस्पेंसियस मूवी होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीजर देख करके तो ये भी लग रहा है कि ये इसका जो वीडियो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड मैं बोलूंगा कि इसमें जो भी एनिमेशन एंड VFX का यूज किया गया है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए कि मैं ये मूवी देखना भी पसंद करूंगा। बहुत अच्छा लगा, अच्छा था टीजर, अच्छा था। मैं टीजर देख के बहुत इम्प्रेस हुआ, अच्छा है। और बाकी पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक क्या करती है क्या नहीं करती। अभी अगर टीजर इतना अच्छा हुआ तो पूरी मूवी देखने के बाद कैसा लगेगा। टीजर तो अच्छा लगा, लाइक ज़्यादा कुछ पुट आउट नहीं किया है, सस्पेंस रखने का ट्राई किया है मुझे लग रहा है, बट हाँ काफ़ी अच्छा तो लगा मुझे। और इसके जो VFX है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे मुझे, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कार्टूनिश या एनिमेटेड जैसा फील दिया, वो बहुत रियलिस्टिक रखा है, तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। दूसरी चीज़ साउंड को लेके, साउंड भी काफ़ी हद तक अच्छा था, ऐसे वो चीज़ बिल्ड कर रहा था कि अच्छा आगे क्या होने वाला है, या फिर वो ये देख के तो मेरे को मूवी पसंद आ ही जाएगी, तो वो फील तो वो ऑब्वियसली दे ही रहा था। मैंने अभी जस्ट वो टीजर देखा है और वो काफ़ी अच्छा टीजर है, लाइक उसमें काफ़ी सस्पेंस है जो उन्होंने बिल्ड किया हुआ है, और उसका जो म्यूज़िक है वो काफ़ी इंटेंस है और सस्पिशियस भी है काफ़ी, और जो उसके VFX हैं वो ऑन पॉइंट है, एक काफी मजा आया उसको देखने में। अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ तो इसके ट्रीजर को देखकर ये लग रहा है कि यह स्टोरी एक डियर हंट पर बनाया गया है, जो कि हिरण का शिकार किया जाता है, और जैसा कि ये मूवी का नाम है कि द सीक्रेट ऑफ देवकाली, यानी कि देवकाली का रहस्य क्या है। और जहाँ तक कि मैं इस ट्रीजर के हिसाब से ये अंदाजा भी लगा पा रहा हूँ कि यह मूवी एक ऐसी मूवी होगी जो कि देवकाली में हिरण के ऊपर बनी होगी, या फिर हिरण से रिलेटेड यह मूवी है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, क्योंकि इस ट्रीजर में भी बोला जा रहा है कि लोग इनको पूजते हैं, यानी कि जो हिरण है उसको लोग भगवान मानते हैं, यहाँ लोग उसकी पूजा करते हैं। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि भाई इस चीज़ को मैं देखना पसंद करूँगा। ये सही है, देखने लायक है, देखने लायक है। स्टोरी की जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है जैसे कि विजुअल्स में देखा, और नाम भी है इसका द सीक्रेट ऑफ देवकाली, ऑब्वियसली सस्पेंस तो टीजर से बिल्ड हो ही गया है, बट स्टोरी वाइज मुझे लग रहा है कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है देवकाली में रहने वाले, उन लोगों के लिए जो डियर है वो सेक्रेड होता है जहाँ तक मुझे पता है, तो ये शायद उसी चीज पे बेस्ड है, उसी मैसेज पे बेस्ड है। उस टीजर ने बहुत सस्पेंस बिल्ड कर दिया है ऑलरेडी, तो आई कांट वेट टू वॉच दैट मूवी। और मैंने ये सुना है कि जो देवकाली के लोग हैं वो लोग जो हिरण है उनको भगवान मानते हैं, और ये शायद उस कंट्रोवर्सी पे है कि लोग उनको मारते भी हैं और वो लोग उनको भगवान मानते हैं, तो लाइक मैं वो मेरे को लगता है कि वो कंट्रोवर्सी होगी, तो मुझे काफ़ी मन है कि मैं पिक्चर देख रहा हूँ। यह फिल्म एक तरह से देखा जाए तो यह जो कि सलमान खान के द्वारा काले हिरण की जो हंटिंग की गई थी, आज जो उनका शिकार किया गया था उससे रिलेट कर रहा है यह मूवी, एंड इस चीज़ को लेकर के कंट्रोवर्सी हो भी सकती है कि भाई क्यों हो सकता है कि उससे रिलेटेड यह मूवी बनाई गई हो या यह मूवी दिखाई गई हो, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है लास्ट में ट्रीजर में ही बोला जा रहा है कि लोग इनको पूजते हैं, यानी कि हिरण को लोग पूजते हैं, उनको भगवान मानते हैं, तो इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी बन सकती है। नहीं सही है, भगवान मानते हैं, भगवान कहीं कहीं पूजे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है हमारे इधर, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं क्या वो एरिया का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पे अपने जो हिरण है, हिरण पूजे जाते हैं अपने यहाँ। हमको सही नहीं लग रहा है। अच्छा। भाई जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए, हाँ, और शिकार कर रहे हैं तो गलत चीज़ है, शिकार नहीं करना चाहिए। वैसे तो डियर हंटिंग सही नहीं है कहीं से कहीं तक, और डियर हंटिंग ही नहीं, कोई भी जानवर का हंट करना, कुछ भी करना, शिकार करना सही नहीं है। और मेरे को लगता है कि इस मूवी में अगर ये दिखाया गया है तो शायद ये मैसेज है कि ये नहीं करना चाहिए, मेरे को ये लगता है, अब पता नहीं, तो ये एक क्यूरियोसिटी है मेरी कि ये क्या होने वाला है इस मूवी में।
ट्रीजर देख करके तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा इसका ट्रीजर ही, और मैं इस ट्रीजर से ये भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये मूवी कितना ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक सस्पेंसियस मूवी होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीजर देख करके तो ये भी लग रहा है कि ये इसका जो वीडियो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड मैं बोलूंगा कि इसमें जो भी एनिमेशन एंड VFX का यूज किया गया वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए कि मैं ये मूवी देखना भी पसंद करूंगा। बहुत अच्छा लगा, अच्छा था टीजर, अच्छा था, मैं टीजर देख के बहुत इम्प्रेस हुआ, अच्छा है। और बाकी पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक क्या करते क्या नहीं करते। अभी अगर टीजर इतना अच्छा हुआ तो पूरी मूवी देखने के बाद कैसा लगेगा। टीजर तो अच्छा लगा, लाइक ज़्यादा कुछ पुट आउट नहीं किया है, सस्पेंस रखने का ट्राई किया है मुझे लग रहा है, बट हाँ काफ़ी अच्छा तो लगा मुझे। इसके जो VFX है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे मुझे, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कार्टूनिश या एनिमेटेड जैसा फील दिया, वो बहुत रियलिस्टिक रखा है, तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। दूसरी चीज़ साउंड को लेके, साउंड भी काफ़ी हद तक अच्छा था, ऐसे वो चीज़ बिल्ड कर रहा था कि अच्छा आगे क्या होने वाला है, या फिर वो ये देख के तो मेरे को मूवी पसंद आ ही जाएगी, तो वो फील तो वो ऑब्वियसली दे ही रहा था। मैंने अभी जस्ट वो टीजर देखा है और वो काफ़ी अच्छा टीजर है, लाइक उसमें काफ़ी सस्पेंस है जो उन्होंने बिल्ड किया हुआ है, और उसका जो म्यूज़िक है वो काफ़ी इंटेंस है और सस्पिशियस भी है काफ़ी, और जो उसके VFX हैं वो ऑन पॉइंट है, एक काफी मजा आया उसको देखने में। अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ तो इसके ट्रीजर को देखकर ये लग रहा है कि यह स्टोरी एक डियर हंट पर बनाया गया है, जो कि हिरण का शिकार किया जाता है, और जैसा कि ये मूवी का नाम है कि द सीक्रेट ऑफ देवकाली, यानी कि देवकाली का रहस्य क्या है। और जहाँ तक कि मैं इस ट्रीजर के हिसाब से ये अंदाजा भी लगा पा रहा हूँ कि यह मूवी एक ऐसी मूवी होगी जो कि देवकाली में हिरण के ऊपर बनी होगी, या फिर हिरण से रिलेटेड यह मूवी है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, क्योंकि इस ट्रीजर में भी बोला जा रहा है कि लोग इनको पूजते हैं, यानी कि जो हिरण है उसको लोग भगवान मानते हैं, यहाँ लोग उसकी पूजा करते हैं। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि भाई इस चीज़ को मैं देखना पसंद करूँगा। ये सही है, देखने लायक है, देखने लायक है। स्टोरी की जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है जैसे कि विजुअल्स में देखा, और नाम भी है इसका द सीक्रेट ऑफ देवकाली, ऑब्वियसली सस्पेंस तो टीजर से बिल्ड हो ही गया है, बट स्टोरी वाइज मुझे लग रहा है कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है देवकाली में रहने वाले, उन लोगों के लिए जो डियर है वो सेक्रेट होता है जहाँ तक मुझे पता है, तो ये शायद उसी चीज पे बेस्ड है, उसी मैसेज पे बेस्ड है। उस टीजर ने बहुत सस्पेंस बिल्ड कर दिया है ऑलरेडी, तो आई कांट वेट टू वॉच दैट मूवी। और मैंने ये सुना है कि जो देवकाली के लोग हैं वो लोग जो हिरण है उनको भगवान मानते हैं, और ये शायद उस कंट्रोवर्सी पे है कि लोग उनको मारते भी हैं और वो लोग उनको भगवान मानते हैं, तो लाइक मैं वो मेरे को लगता है कि वो कंट्रोवर्सी होगी, तो मुझे काफ़ी मन है कि मैं पिक्चर देखने जाऊँ। यह फिल्म एक तरह से देखा जाए तो यह जो कि सलमान खान के द्वारा काले हिरण की जो हंटिंग की गई थी, जो उनका शिकार किया गया था, उससे रिलेट कर रहा है यह मूवी। एंड इस चीज़ को लेकर के कंट्रोवर्सी हो भी सकती है कि भाई क्यों हो सकता है कि उससे रिलेटेड यह मूवी बनाई गई हो या यह मूवी दिखाई गई हो, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है लास्ट में ट्रीजर में ही बोला जा रहा है कि लोग इनको पूजते हैं, यानी कि हिरण को लोग पूजते हैं, उनको भगवान मानते हैं, तो इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी बन सकती है। नहीं सही है, भगवान मानते हैं, भगवान कहीं कहीं पूजे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है हमारे इधर, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं क्या वो एरिया का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पे अपने जो हिरण है, हिरण पूजे जाते हैं अपने यहाँ। हमको तो सही नहीं लग रहा है। अच्छा। भाई जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए, है और शिकार कर रहे हैं तो गलत चीज है, शिकार नहीं करना चाहिए। वैसे तो डियर हंटिंग सही नहीं है कहीं से कहीं तक, और डियर हंटिंग ही नहीं, कोई भी जानवर का हंट करना, कुछ भी करना, शिकार करना सही नहीं है। और मेरे को लगता है कि इस मूवी में अगर ये दिखाया गया है तो शायद ये मैसेज है कि ये नहीं करना चाहिए, मेरे को ये लगता है, अब पता नहीं, तो ये एक क्यूरियोसिटी है मेरी कि ये क्या होने वाला है इस मूवी में, तो हाँ।